जूस एंड चिप्स। ओ वो बेबी, मेरा मैनिक्योर चल रहा है और मेरा हाथ भी बिजी है, प्लीज तुम खिला दो। हिम्मत मत करना, हिम्मत भी मत करना, सुना तूने? सॉरी डैड। व्हाट? डैड मैं जा रहा हूँगी, संस्कार वहीं तो रहेगा, है ना बेबी? यस बेबी। नो 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 नो, जाइए, क्या पागलपन है? पागलपन कैसे डैड? ये बेवकूफ तुम्हारी पसंद, जरा प्लीज सिद्ध करना बंद करो। प्लीज अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करो। और मैं मीरा की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता हूं श्रवण। श्रवण, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही है, और सच कहूं ना तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्या है ना कि मुझ में तो ना अकल है ना समझ है, ना तो मैं अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया, लेकिन कम से कम मैं एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं पापा, लेकिन हम सब हैं ना आपके साथ। और एक बात कहूं, इस वक्त आपको मीरा जी की बहुत जरूरत है। नहीं बेटा, अभी ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूं। डैड मेरा फैसला अटल है। मैं संस्कार से इसलिए शादी कर रही हूं बिकॉज ही लव्स मी, और वैसे भी ये मेरी एज का है। मीरा तो अपनी जिद पर अड़ गई है, आई डोंट थिंक सो कि हम उसे एम जीजू भी समझा पाएंगे। आप ही कुछ कीजिए ना गुप में। मीरा तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, किस तरह तुमने इसे पीछा छुड़वाया था, याद आया? भूल गई तुम तो? क्या हुआ डैड, गलतियां सबसे होती है और सेकंड चांस सबको मिलना चाहिए। मीरा प्लीज। डैड प्लीज, मुझे वैसे भी बहुत सारे काम करने हैं, आप प्लीज यहां से जाइए। चलो बेबी। मीरा थैंक गॉड आप लोग मुझे यहीं मिल गए। माँ दादी, शादी करने से पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, और उसके लिए मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। मीरा ये क्या बचपना है, और ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? तुम जानती हो ना ये लड़का कैसा है, उसके बावजूद भी तुम? माँ यू लव मी ना, तो बस जैसा मैं कह रही हूँ आप वैसा ही कीजिए, और प्लीज आप और दादी मेरे साथ चलिए। हम चलेंगे। Come on, baby. क्या हुआ श्रवण जी, बात हुई पापा जी से? वो नहीं मान रहे हैं विद्या जी, और मुझे नहीं लगता कि वो अपना फैसला बदलेंगे। श्रवण जी ये भी तो सच है ना कि वो मीरा दी के बिना नहीं रह पाएंगे। जानता हूँ विद्या जी, पहले तो बहुत तकलीफ हो रही थी उन्हें इस तरह देखकर, लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि उनका प्यार कितना सच्चा है। सिर्फ मीरा जी की वजह से उन्होंने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया, एंड आई थिंक मीरा जी के बिना वो। पर हम क्या कर सकते हैं श्रवण जी, कैसे समझाएं पापा जी? दादी आप लोग कैसी? अब दादी मैं ठीक हूँ, कैसी है मेरी ढिंगली?
मैं भी ठीक हूँ। माँ विद्या, मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? टी थैंक गॉड टी तुम आ गई। चलो ना जल्दी चल के पापा जी से बात करो, वो ना कुछ खा रहे हैं ना बात कर रहे हैं, प्लीज चलो ना। रियली डोंट वरी, थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। टी तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ, चलो ना पापा जी से बात करो। कम ऑन विद्या, मैं उनसे ही बात करने आई हूँ, पर कोई और काम से। धर्म जी, धर्म जी, धर्म जी, धर्म जी, धर्म जी, मेरी बात तो सुनो। अच्छा विद्या। धर्म जी बाहर आई। मेरा ये क्या कर रही है, क्यों बुला रही है इस तरह से धर्म जी को? एक मिनट। धर्म जी, दी मेरी बात। धर्म जी, दी दी एक सेकेंड, पापा जी तो वो, एक मिनट। आई एम श्योर धर्म जी अखाड़े में होंगे, है ना? संस्कार, संस्कार, ये सब क्या है दी, ये यहाँ क्या कर रहा है? दी 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 ये सब क्या हो रहा है, और ये संस्कार यहाँ क्या कर रहा है? संस्कार, तुम धर्म कुमार को जानते हो? मतलब पहले कभी देखा है तुमने? नहीं तो, बस सुना है कि काफी ओल्ड है, सो इट्स ऑब्वियस अनकोल ही होंगे। तो वैसे भी मुझे क्या लेन देन, कौन है, क्या है, कैसे है? संस्कार, वो देखो सामने, वो रहे धर्म जी। वो संस्कार, क्या हुआ बेटा? मुंह बंद कर ले अपना, नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। बिल्कुल सही कहा। वैसे बूढ़े हैं ना धर्म कुमार, पर सुना है कि आज तक अखाड़े में उन्हें कोई नहीं हरा पाया। धर्म जी, ये है संस्कार और हम दोनों की कल शादी हो रही है। और ये रहा इनविटेशन, प्लीज आइएगा। धर्म जी कैसे लगी मेरी पसंद? You know what?
कर, मेरी उम्र का है। और सुना है मेरी उम्र के लोग कभी मरते ही नहीं हैं। आपने ही तो कहा था। प्लीज हाँ धर्म जी, आपको मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। संस्कार, डर गए? नहीं नहीं, आई मीन ये वो क्या है ना, धर्म जी सच में बहुत गुस्से में लग रहे हैं। और एक बात बताऊं, ये बचपन से ना अखाड़े में ही बड़े हुए हैं, और जब गुस्सा आता है ना, आप एक बार किसी को नहीं छोड़ते। मीरा से तुम शादी कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई हो। भूखी बहन, भूखी मासी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। लड़का अच्छा है। आप आई न्यू कि आप मेरी शादी की खबर सुनकर ना बहुत खुश होंगे। तो बस कल मेरी बारात में नाचने के लिए टाइम पर पहुंच जाइएगा। ओह वेट, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पूछना ही भूल गई। आप कल तक जिंदा तो रहेंगे ना मीरा? आई मीन कहीं खुशी के मारे आपकी जान ही ना निकल जाए। तू फिक्र मत कर, किसी भी हाल में तेरी शादी में जरूर आऊंगा। बेबी लेट्स गो। अब धर्म जी वो क्या है, हम यंगस्टर्स है ना, तो हम अपने स्टाइल से अपनी शादी को सेलिब्रेट करते हैं। अगेन आपको कैसे पता होगा, है ना? तो तू बता दे। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्री वेडिंग फोटोशूट, फिर पार्टी में जाना, फिर खाना पीना पिलाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें मेरा होने वाला हस्बैंड एकदम चैंपियन है। देखिए तो हमारी जोड़ी एकदम मस्त है, ये नशेड़ा और मैं बेव। मीरा क्या बदतमीजी है, क्या बोले जा रही हो तू? माँ मैं सच ही तो कह रही हूँ, और वैसे भी धर्म जी को सच सुनना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं कह रही थी, अगर आप भी हमारे साथ डिस्को चलना चाहे तो आई हैव नो प्रॉब्लम। बेबी ओह मैं तो भूल ही गई, आपको तो कोई अलाउ ही नहीं करेगा। उम्र का तकाजा है ना। एनीवेज आप मेरी शादी में मुझे गिफ्ट क्या दे रहे हैं? जो तू कहेगी। लेकिन बताइए तो सही क्या देंगे? कहा ना, जो तू मांगे वो दूंगा। Really? तो फिर ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हमारा संगीत आपके यहाँ हो, आपके घर में आपके साथ। बस यही गिफ्ट चाहिए मुझे आपसे, एंड ट्रस्ट मी ये मेरा बेस्ट वेडिंग गिफ्ट होगा। मीरा तुम सोच समझ कर ये बोल रही हो? अब उन्होंने बोला मांगने के लिए तो मांग लिया, अब नहीं दे सकते तो नो बिग डील। तू मांगे और मैं ना दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तुम्हारा संगीत हमारे यहाँ। थैंक यू।
सी यू इन द इवनिंग। चलो भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।